दक्षिण भारत में MGR नामक एक बहुत ही महान कलाकार हुआ करते थे। आज रजनीकांत से जितने लोग मोहब्बत करते हैं, उससे भी दोगुना प्यार MGR को मिला हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरोजा देवी और MGR ने मिलकर 26 मेगा हिट फिल्में दी हुई थी। MGR के साथ काम करने का ख्वाब हर हीरोइन देखती थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि MGR और सरोजा देवी की जोड़ी टूट गई। इसके पीछे की वजह बस इतनी सी थी कि सरोजा देवी की मां ने MGR के एक प्रोड्यूसर से बेटी की आमदनी बढ़ाने को कहा था। इस किस्से के बाद किसी भी फिल्मकार ने सरोजा देवी को MGR के साथ कास्ट किया नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किस्से के बाद जयललिता MGR की फेवरेट हीरोइन बन गई। वे MGR ही थे जिनके दम पर जयललिता राजनीति में उतर गई और 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं। आपको ये भी बता दूं कि MGR एकमात्र अभिनेता हैं जिन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला हुआ है। सरोजा देवी एकमात्र हीरोइन है जिन्होंने एक लीड हीरोइन के रूप में सबसे ज्यादा फिल्में दी हुई थी। ये आंकड़ा 200 के करीब है। सरोजा देवी बॉलीवुड में फ्लॉप इसलिए नहीं हुई क्योंकि लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया। वजह तो ये थी कि हिंदी के कलाकार शूटिंग सेट पर देरी से पहुंचते थे। सरोजा देवी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग समय के हिसाब से शूट नहीं होती है, पर यहाँ साउथ इंडिया में सारे सीन्स टाइम टू टाइम फिल्माए जाते हैं और हर कोई कलाकार समय से पहले सेट पर हाजिर हो जाता है। अगर बॉलीवुड के कलाकार समय के पक्के होते तो मैं वहाँ भी सुपरस्टार बनती। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम? अगर आप तुमसे मिलाई न होती मेरे दिल, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे। जब पर जाऊंगा घर भर के लट रह जाए मुख पे भी। हिंदी सिनेमा को कामयाबी के ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने के पीछे ढेर सारे गैर हिंदी कलाकारों का बड़ा योगदान रहा है। जब जब भारतीय सिनेमा पर बात होती है तो गैर हिंदी कलाकारों का नाम जानबूझकर नहीं लिया जाता। आज हम ऐसे ही गैर हिंदी कलाकार के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने एक से भी अधिक भाषाओं में काम करते हुए ढेर सारे अवार्ड्स अपने नाम किए। इतना ही नहीं, कर्नाटक में उन्हें अभिनय की सरस्वती भी कहा जाने लगा। वहीं तमिलनाडु में उन्हें कनाडास पैरट इस नाम से पहचान मिली। उनके नाम दर्ज है एक बेमिसाल रिकॉर्ड। बतौर लीडिंग एक्ट्रेस उन्होंने लगातार 161 फिल्मों में काम किया है। भारत का कोई भी कलाकार उनके इस रिकॉर्ड के नज़दीक तक नहीं पहुंच पाया है, इसीलिए साउथ इंडिया में उन्हें प्यार से अम्मा कहा जाता है। भारत सरकार की तरफ से उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे अवार्ड्स मिल चुके हैं। जिस जमाने में वैजंती माला और पद्मिनी, रागिनी, ललिता इन तीन त्रावणकोर बहनों ने नृत्य कला और अभिनय का एकीकरण करके भारतीय फिल्मों में राज किया, उस जमाने में भी सरोजा देवी ने सभी अभिनेत्रियों को कांटे की टक्कर दी थी। भैरप्पा सरोजा देवी का जन्म 7 जनवरी 1938 में बेंगलोर में हुआ था। वे अपने माता पिता की चौथी संतान थी। सरोजा देवी के पिताजी मैसूर में पुलिस अफसर थे तो माता रुद्रम्मा घर संभाला करती थी। नाना मायना गौना सरोजा देवी को किसी निसंतान इंसान के हाथ सौंपना चाहते थे, पर पिता भैरप्पा ने सरोजा को गोद देने से मना कर दिया। बेटी को अपने से दूर होते हुए वे देख नहीं पाए। जैसे जैसे सरोजा बड़ी होती गई, वैसे वैसे पिताजी ने उन्हें नृत्य शैली से परिचय करवाया। छोटी उम्र से डांस सीखने के कारण सरोजा देवी बहुत ही अच्छी तरह से नृत्य कर लेती थी। यही वजह थी कि उन्हें फिल्मों में काम करने के ऑफर्स मिलने लगे। स्टेज शो से शूटिंग सेट तक का सफर बहुत तेजी से गुजरा। मात्र 17 साल की छोटी सी उम्र में उनकी पहली कन्नड़ फिल्म महाकवि कालिदास रिलीज हुई। इस फिल्म ने सिनेमाघरों में तूफानी भीड़ देखी और पहली फिल्म के साथ सरोजा देवी ने सफलता के तारे देख लिए। नृत्य कला में इस कदर तक डूब जाने के पीछे उनके माता पिता ही थे। पैरों में सूजन आने तक सरोजा देवी अभ्यास करती थी और पिता भी उनका साथ देते थे। सरोजा देवी का परिवार भारतीय संस्कृति से प्रभावित था, इसलिए सरोजा ने भी
कभी अंग प्रदर्शन नहीं किया। इसके बावजूद भी सरोजा देवी कन्नड़, तमिल और तेलुगु भाषाओं की अव्वल अभिनेत्री बन गईं। इसे दुर्भाग्य कह लीजिए या समय की कमी, सरोजा देवी को हिंदी भाषा में वो सफलता नहीं मिली जो वैजयंती माला, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, पद्मिनी जैसे साउथ से आई हुई अभिनेत्री को मिली थी। फिल्म इतिहासकारों का कहना है कि सरोजा देवी का चेहरा वैजयंती माला जैसा था। इन दोनों अभिनेत्रियों का जमाना भी एक था, पर सरोजा देवी से पहले वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया हुआ था। फ्लॉप हिंदी करियर के पीछे उनकी कमजोर उर्दू जुबान भी थी, बाकी सुंदरता और अभिनय में कोई कमी नहीं दिखी। दिलीप कुमार की पैगाम उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। उसके बाद ससुराल फिल्म में उन्हें राजेंद्र कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के इस गीत ने तहलका मचा दिया था, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद दूर। इस गीत के कारण सरोजा देवी की खूबसूरती के चर्चे होने लगे थे। हिंदी दर्शकों को पता ही नहीं था कि जिस अभिनेत्री की तुलना वैजयंती माला से होती है वो दक्षिण की सबसे सुपरस्टार अभिनेत्री थी। खैर, ससुराल फिल्म के बाद हांगकांग, दूज का चांद, प्यार किया तो डरना क्या, प्रीत ना जाने रीत जैसे चर्चित फिल्में भी फ्लॉप हुई, पर इस बात का उनके जीवन पर थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सरोजा देवी के पास हिंदी भाषा के लिए थोड़ा भी समय नहीं था। सफलता का ऊंचा मुकाम देखने के बाद सरोजा ने श्री हर्षा से शादी कर ली और 1967 में फिल्मों से संन्यास लेने का मन बना लिया। श्री हर्षा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में पेशे से इंजीनियर थे। एक्टिंग छोड़ने के पीछे पति का हाथ बिल्कुल नहीं था, बल्कि सरोजा देवी की मां ने उन्हें अभिनय करने से रोका हुआ था। एक दिन सरोजा देवी राजेश खन्ना की आराधना फिल्म के प्रीमियर में आई हुई थी। वहां उनकी मुलाकात दिलीप कुमार से हुई। दिलीप कुमार ने उन्हें समझाया कि उन्हें इतनी जल्दी फिल्मों से संन्यास नहीं लेना चाहिए। दिलीप कुमार ने अपनी पत्नी का नाम आगे करते हुए कहा कि सायरा बानू ने भी शादी के बाद फिल्मों में काम करना जारी रखा था। इस बात पर सरोजा देवी ने थोड़ा विचार किया। वो जानती थी कि दर्शक उन्हें सिनेमा घरों में देखना चाहते हैं। कुछ महीने बाद सरोजा देवी फिल्म जगत में लौट आई तो तहलका मच गया, क्योंकि अगले 20 वर्षों में सरोजा देवी ने लगातार हिट फिल्में देकर अद्भुत रिकॉर्ड बनाया। लेकिन 1987 में पति के निधन के बाद उन्हें फिल्मों से फिर एक बार दूर होना पड़ा। सरोजा देवी ने 5 साल का गैप लिया हुआ था। वो जब फिर से एक बार लौट आई तो जायज सी बात थी कि उन्हें सिर्फ कैरेक्टर किरदार मिलते। सौभाग्य से इस बार भी समय ने उनका साथ दिया। आज के वक्त सरोजा देवी 86 साल की हो चुकी हैं। लोग उन्हें प्यार से अम्मा पुकारते हैं। दक्षिण भारत में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो अम्मा को ना पहचानता हो। हिंदी सिनेमा में कई सारे स्टार्स आए और चले गए, पर जिनकी रोशनी कभी मिटी नहीं, ऐसे गिने चुने कलाकार की संख्या बहुत कम है, और सरोजा देवी भी उन्हीं में से एक कलाकार है। सरोजा देवी के बेटे का नाम रामेश्वरम है और एक बेटी भुवनेश्वरी को उन्होंने गोद लिया हुआ था, लेकिन कम उम्र में वो चल बसी। आज के वक्त सरोजा देवी समाज कार्य और फिल्म जगत में एक साथ सक्रिय हैं।